हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 11th का देखेंगे। सोशियोलॉजी का 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो ये पेपर मैं थोड़ा लेट इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज मेरी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी, बट आज हम इसके सॉल्यूशन भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन होगा, टाइम इज़ नाउ मनी। देन थर्ड क्वेश्चन में ए ऑप्शन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देन फोर्थ क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, एन आउट ग्रुप हैज़ वी फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम हिंदी में भी आंसर देखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपका जो नेशनलिज्म है वो करेक्ट हो जाएगा। देन सिक्स क्वेश्चन में एंडोगैमी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में आपका ऑप्शन डी, राइट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस करेक्ट हो जाएगा। देन एट्थ क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन मैक्स वेबर है। देन नाइन्थ क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन आपका टेंथ क्वेश्चन में नॉर्मेटिव करेक्ट हो जाएगा। इलेवेंथ में आपका सी, चार्ल्स डार्विन करेक्ट हो जाएगा। देन ट्वेल्थ में आपका ए ऑप्शन, ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे एसर्शन रीज़न ही है क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसमें आपका बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन 14th क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बट इसका आंसर इमाइल डरखाइम डी ऑप्शन है। देन 15th क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर आपका सरद चंद्र रॉय आ जाएगा, 15 का बी एंड 16 का ए, डीपी मुखर्जी आपका आंसर हो जाएगा। देन इतने ही एमसीक्यू थे आप क्वेश्चन से। 17th क्वेश्चन, इसका आंसर मैं पढ़ देती हूँ। इसमें नए अभिवृत्तियों व संस्थाएँ शामिल थी, उद्यमी मुनाफे की आशा से प्रेरित था, बाजार महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई, माल सेवाएँ एव श्रम वस्तु बन गई। अब आप ये मत सोचिए सिर्फ इतना सा आंसर लिखना था, आंसर तो बड़ा लिखना था। यहाँ पर की पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपको इससे रिलेटेड आंसर देना था। अथवा में गाँव से शहरों की ओर पलायन, बड़ी मात्रा में उत्पादन और श्रम की प्रतिष्ठा कम होना। देन 18th क्वेश्चन में आपका आंसर होगा, कई मध्यम वर्गीय भारतीयों का अंग्रेजों के व्यवहार का अनुकरण, लिंग भेद पर आधारित पुरुषों व स्त्रियों के लिए अलग अलग मापदंड। 19th में आपका भूमि संघर्ष से आप क्या समझते हैं, तो एक या अधिक परिस्थितियों में जुड़ी भूमिकाओं को असंगता तो भूमि संरक्षण कहते हैं। ये तब होता है जब दो अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती है। फिर 20वां प्रश्न है, विवाह के नियम में सधर्म में बही विवाह का नियम क्या होता है, तो बही विवाह से कुछ संबंधित समूहों से बाहर किया जाता है, जैसे गांव बही विवाह। फिर 21 में का आंसर हो जाएगा, जब पुरुष कार्य हेतु नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, महिलाओं को ही खेती कार्य हलचल परिवार का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे परिवार महिला प्रधान कहलाते हैं, जहाँ महिला अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाती है। 22वां प्रश्न है, संस्कृति की दो विशेषताएँ की चर्चा कीजिए। संस्कृति क्या होता है, सोचने अनुभव करने तथा विश्वास करने का एक तरीका, लोगों के जीने का संपूर्ण तरीका, सीखा हुआ व्यवहार है। 23वां प्रश्न है, पूंजीवादी समाज में अलगवादी की स्थिति कई स्तरों पर काम करती दिखाई देती है, तो पूंजीवादी समाज में मनुष्य स्वयं को प्रकृति से उत्पाद कार्य प्रणाली से स्वयं से अलग थलग पाता है। 24वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आधुनिक समाजों में पाई जाती है, विषमताओं पर आधारित होती है और इसका आधार श्रम विभाजन है। फिर इसके अथवा दमनकारी या क्षतिपूरक कानूनों में क्या अंतर है, तो दमनकारी कानून द्वारा व्यक्ति को गलत कार्य करने पर सजा दी जाती है, जो एक प्रकार से उसके कृत्य के सामूहिक प्रतिशोध होता है, जबकि क्षतिपूरक कार्य का मुख्य उद्देश्य अपराधी के कृत्य में सुधार लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका आंसर करेंगे, गाँव में नए नित्र निर्जित शोध कार्य प्रगति के महत्व से परिचित करवाने का मौका दिया, सामाजिक परिवर्तन के बारे में और जानकारी, भारत के आंतरिक हिस्सों का क्या हो रहा है इसकी जानकारी आंसर हो जाएगा। फिर 26 का आपका आंसर हो जाएगा, औपचार नियंत्रण या जब नियंत्रण के संहिताबद्ध व्यवस्थित और अन्य अनौपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं, साधारण कानून पुलिस, और अनौपचारिक नियंत्रण जब व्यक्तिगत आवश्यकताएँ असिद्धाबद्ध व अनौपचारिक साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, उदाहरण धर्म तथा परंपरा रूढ़ी, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर 27 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा,
विश्वासों एवं व्यवहारों की ऐसी संगठित व्यवस्था जो व्यक्ति को नैतिक समुदाय में भावना में बांधती है। दर्खाइम ने कहा था ये सभी धर्मों में समान विशेषता होती है। प्रतीकों का समुच्चय, श्रद्धा का सम्मान, अनुष्ठान समारोह का आयोजन, विश्वासकर्ताओं का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका संस्कृति के मान्य पक्ष में लोक कृतियों, लोकचारों तथा परिपाटाओं तथा कानून शामिल है। ये मूल्य या नियम ही है जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देशित है। सभी सामाजिक मानकों के साथ होती है जो कि अनुरूपता को बढ़ावा देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज का सदस्य बनना सीखते हैं। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। परिवार इसमें कैसे है, तो परिवार समाजीकरण करने वाली संस्थापक है। रूप में परिवार का महत्व असाधारण है। बच्चा परिवार में जन्म लेता है, इस रूप से वह परिवार की सदस्य ग्रहण करता है और परिवार का क्षेत्र सामाजिक वर्ग में जिसमें वह जन्म लेता है समाजीकरण के वर्तमानों पर आधारित प्रभाव डालते हैं और वर्तमान में पीढ़ीगत दृष्टिकोणों को भी अंतर भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखेंगे। यहाँ पे सामाजिक परिवर्तनों के कारण, पर्यावरणीय कारण, तकनीकी व आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, इन सबको एक्सप्लेन भी करना था आपको। देन 31 में का आंसर देखेंगे तो जाति की विशेषताएं होती है खंडे विभाजन, सोपान्य व्यवस्था, व्यवहार, व्यावसायिक चुनाव पर प्रतिबंध और भिन्न भिन्न अधिकारों एवं कार्य कर्तव्य विवाह पर कठोर प्रतिबंध, अप्रतिबंधित सामाजिक अंतर्क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा, सकारात्मक राज्य, हस्तक्षेप राज्य, लोकतांत्रिक राज्य यानी बहुपार्टी चुनाव, मिश्रित अर्थव्यवस्था और प्रत्येक बिंदु पर आपको पॉइंट्स भी लिखने थे। देन क्वेश्चन नंबर 33, अंतर बताने इतिहास और समाजशास्त्र में, तो वर्तमान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में रुचि रखता है। सामान्य विज्ञान है, विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक विज्ञान है, एक युवा विज्ञान है द्वारा विस्तृत पुनः परीक्षण संभव है और इतिहास का है पूरी पिछली घटनाओं में रुचि रखता है। विशिष्ट विज्ञान है, वर्णात्मक विज्ञान है, एक पुराना विज्ञान है, दायरा संकुचित है और पुनः परीक्षण संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देखते हैं हम, तो तीनों पॉइंट्स का हम देखेंगे। पहला है वर्तमान सुधार से मध्यवर्ती जातियों को भू स्वामित्व का हक मिला। MN श्रीनिवास ने इन्हें प्रभावी जातियों के नाम से पुकारा। भू स्वामित्व का हक मिला, संख्या के अनुसार सामाजिक स्तर व राजनीतिक शक्ति बढ़ गई। भू स्वामित्व की संरचना में परिवर्तन, कृषि में तकनीकी पर्यावरण का प्रयोग, भू स्वामित्व की संरचना में परिवर्तन। नेक्स्ट 35 यानी लास्ट क्वेश्चन आंसर, नौकरशाही क्या होता है, तो अधिकारियों के प्रकार पदों का सोपानिक कर्म लिखित दस्तावेजों को विश्वसनीय कार्यालय प्रबंधन या कार्यालय आचरण। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।